गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर ज्योति दलाल। टुडे आवर्स टॉपिक इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये जो है एटॉमिक फिजिक्स का टॉपिक है। इसकी स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू इट, इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, मल्टी इलेक्ट्रॉन मीन्स एटम कंटेन्स मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या टू इलेक्ट्रॉन्स cannot exist in the same quantum state. Means मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है हमारे पास, दो इलेक्ट्रॉन जो हैं सेम क्वांटम स्टेट एनर्जी स्टेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते, ये हमारे पास क्या है? स्टेटमेंट। और दूसरे वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं? टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन नॉट हैव द सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स या क्वांटम नंबर्स अब हमारे पास किसी भी क्वांटम स्टेट को हम कौन से जो हैं फोर क्वांटम नंबर से दिखाते हैं। यहाँ से बेसिक स्टार्ट हो रहा है इसका। द स्टेट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन कैन बी स्पेसिफाइड बाय फोर क्वांटम नंबर्स। कौन कौन से नंबर हैं वो हमारे पास किसी भी एनर्जी स्टेट को, इलेक्ट्रॉन एनर्जी स्टेट में है, तो उसको हम किसे स्पेसिफाई करेंगे? फर्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। सेकंड है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल एल से दिखाते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जिसको हम किसे दिखाते हैं? एम एल से। फोर्थ हमारे पास है मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, सो मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर को हम एम एस से दिखाते हैं। मीन्स जब भी हम अपनी एनर्जी लेवल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी तो हमारे पास चार क्वांटम नंबर मेंशन होंगे। इनमें से क्या है, वो जब सेम स्टेट में अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो चारों में से कोई ना कोई क्वांटम नंबर हमारा डिफरेंट होना चाहिए। लाइक हम एग्जांपल ले रहे हैं कार्बन का। कार्बन क्या है इसका कॉन्फिग्रेशन? सॉरी, कार्बन नहीं, ऑक्सीजन का लेते हैं, मोर क्लियर होगा। इसका होता है एट एटॉमिक नंबर, 1s2, 2s2, 2p4। तो लाइक 1s2, 1s2 के लिए n की वैल्यू क्या है? 1 है। s के लिए l क्या होता है? 0। अब 1s2 का सेकेंड इलेक्ट्रॉन की क्या है कॉन्फिग्रेशन? n इज इक्वल टू 1 है, l इज इक्वल टू भी क्या है? 0। हमें पता है l इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 हैं, तो 0 कोरस्पोंड कर रहा है एस स्टेट को, 1 कोरस्पोंड कर रहा है पी स्टेट को, 2 कोरस्पोंड कर रहा है डी को, 3 एफ को एंड 4 जी को। ये वैल्यूज होती है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स के। तो एस स्टेट है हमारे पास, एल 0 हो गया दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो हमें व्हाट अबाउट रिमेनिंग क्वांटम नंबर्स एम एल एंड एम एस? अब एम एल वैल्यूज कहाँ से कहाँ लाई करती हैं? माइनस एल टू प्लस एल, बट यहाँ पे क्या है? 0 है, तो एम एल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए भी क्या हो गई? एम एल वैल्यू 0, और इसके लिए भी सेकेंड इलेक्ट्रॉन जिसको हम एम एल टू से दिखा रहे हैं, एल वन एल टू बोल सकते हो, 0। बचा हमारे पास कौन सा? फोर्थ क्वांटम नंबर, जो क्या रह गया? मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, एम एस वन एम एस टू। अब जब हम 1s2 की फिलिंग करेंगे तो क्या होना चाहिए हमारे पास? क्या कंडीशन है इलेक्ट्रॉन्स के केस में कि वो जो है
द स्टेट ऑफ एनी टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, जैसे हम एस के इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, कैन नॉट हैव द सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, फोर क्वांटम नंबर्स भी बोल सकते हो। तो तीन तो हमारे ऑलरेडी सेम हो चुके, तो अगर हमें क्या होगा, फोर्थ जो है क्वांटम नंबर डिफरेंट होना पड़ेगा। एम एस वन वैल्यूज, एम एस टू, स्पिन दोनों की क्या होगी, हाफ हाफ होगी, लेकिन क्या होगी, दोनों की किसी एक स्टेट में तभी फिलिंग हो सकती है जब वो क्या हो, एंटी पैरेलल। मींस अगर हम अप स्पिन के लिए एम एस वैल्यू प्लस हाफ ले रहे हैं, तो एम एस टू क्या हो गई दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, माइनस हाफ। सो यहाँ पे कौन सी वैल्यूज हमारे पास डिफरेंट हो गई, सो एम एस वैल्यूज आर डिफरेंट फॉर वन एस टू इलेक्ट्रॉन्स। दोनों इलेक्ट्रॉन्स की हमने जब स्टेट में फिलिंग की, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू डिफर की, एम एस वैल्यू, चारों क्वांटम नंबर से। इसी तरह से 2st की भी होगी, इसी तरह से 2p4 का भी देखते हैं। 2p4 ये p स्टेट है, इसमें मैक्सिमम हमारे पास आ सकते हैं, लाइक आपको पता है कितने जो हैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, एस में हमारे पास क्या होती है, 2 × 2l + 1 आ सकते हैं किसी भी उसमें, एस में सब सेल में जो है, सब सेल तो नहीं बोलेंगे, एस के अंदर, सेल के अंदर, तो क्या है हमारे पास 2 × 2l + 1, ओके सॉरी ये एस सब सेल ही रहेगा, तो एस सब सेल के अंदर कितने रहेंगे, 2 × 2l + 1, पी के अंदर क्या, एस में कितने आ जाएंगे, एल जीरो होता है इसके लिए, तो 2 × 2 × 0 + 1 कितने आ गई, 2। सिमिलरली पी के अंदर क्या आ गई, इसी फॉर्मूले से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कितने फील हो सकते हैं किसी सब सेल में, 2 × 2l + 1 नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फील्ड इन ए सब सेल। ये आपके पास क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाता है कई बार, तो ये हमारे पास क्या है, 2 × 2l + 1, तो एस के अंदर कितने हो गए, 2, पी के अंदर क्या हो गई, 2 × l 1 होता है, 2 × 1 + 1, 2 + 1 3 × 2 6, पी के अंदर 6 आएंगे। सिमिलरली डी का भी मैं बता देती हूँ, एल वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी, 2 × 2 × l की जगह 2 रखो, +1 4 + 1 10 आ गई। तो पी के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं हमारे पास, जो है 6, तो यहाँ पे 4 को फिल करना है, तो सबसे पहले तो हम हाफ फिल्ड 1 1 1 हमने तीनों के अंदर रख दिया है, तो यहाँ पे फोर्थ क्या आ जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या हो गई हमारे पास, इस वाले टू इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो एम एस वैल्यूज़ क्या हो गई, डिफरेंट। अब इसका जो है हम मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन भी देखते हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का।